जब आप मोटो G6 प्ले को देखेंगे तो ये मोटो G6 से ज्यादा महंगे होने का एहसास देता है। दोनों ही फोन को हाल ही में एक साथ भारत में लॉन्च किया गया था। हमने अपने रिव्यू में मोटो G6 की कमियों के बारे में विस्तार से बताया था। देखा जाए तो मोटो G6 प्ले में बजट सेगमेंट का चैंपियन बनने का परफेक्ट मसाला है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, डिजाइन ध्यान खींचने वाला है, लगभग स्टॉक एंड्रॉइड का अनुभव मिलता है और 4000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। क्या यह फोन वाकई में सबसे दमदार है? आइए जानते हैं। मोटो G6 प्ले में पॉलिश मेटल मिड फ्रेम है, लेकिन रियर पर ग्लास की जगह मोटरोला की जुबान में कहें तो पॉलीमर ग्लास का इस्तेमाल हुआ है, जो वाकई में प्लास्टिक ही है। यह हाई ग्लॉस फिनिश के साथ आता है और इसके टूटने की संभावना थोड़ी कम है। यह एक हाथ से इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से फिट है, लेकिन बॉडी हाथों में फिसलती है। इसके अलावा प्लास्टिक बैक पर उंगलियों के निशान भी आसानी से पड़ जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को पिछले हिस्से पर मोटरोला के लोगो में ही जगह मिली है। सेटअप प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सेंसर तेज है और यह सटीक काम करता है। सिम ट्रे में दो नैनो सिम और माइक्रो एसडी कार्ड के लिए अलग अलग स्लॉट हैं। एक वक्त पर एक ही सिम 4G नेटवर्क पर काम करता है। मोटो G6 प्ले में टॉप पर हेडफोन सॉकेट है और निचले हिस्से पर माइक्रो USB पोर्ट है। ईयरपीस ही स्पीकर का भी काम करता है। इससे बेहद ही ऊंची और स्पष्ट आवाज आती है, लेकिन इससे आने वाली आवाज में वार्म्थ की कमी है। मोटो G6 प्ले में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.4 GHz। देखा जाए तो इसी कीमत वाले Asus ZenFone Max Pro M1 और Realme 1 क्रमशः स्नैपड्रैगन 636 और Helio P60 चिपसेट के साथ आते हैं, जो ज्यादा पावरफुल हैं। इसका सिर्फ एक वेरिएंट है जो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। मोटो G6 प्ले की सबसे अहम खासियत है 4000mAh की बैटरी। इसके बारे में कंपनी ने 32 घंटे तक साथ देने का दावा किया है। मोटो G6 प्ले में 5.7 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। स्क्रीन पूरी तरह से बिना बॉर्डर वाली नहीं है, खासकर निचले हिस्से पर जगह की बर्बादी हुई है। पैनल ब्राइट है और यह ठीक ठाक व्यूइंग एंगल के साथ आता है, हालांकि कलर्स काफी डल नजर आते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट हैवी वेबसाइट पर पिक्सलेशन खुली आंखों से नजर आते हैं। ऐसे वक्त पर जब ज्यादातर फोन फुल HD+ पैनल के साथ आ रहे हैं, कम रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन इस फोन की दावेदारी को कमजोर करती है। आम इस्तेमाल में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन थोड़े कमजोर प्रोसेसर दिए जाने का एहसास क्रोम पर हैवी वेबसाइट स्क्रॉल करने और बैकग्राउंड में कई सारे ऐप खुलने पर हुआ। रिव्यू के दौरान हमारा सामना कई बार कीबोर्ड लैग से भी हुआ। सबवे सर्फर्स और एसफाल्ट 8 जैसे गेम खेले जा सकते हैं, लेकिन कई बार फ्रेम रेट ड्रॉप होने की शिकायत मिलती है। गेमिंग के दीवानों को इस फोन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्हें Asus ZenFone Max Pro M1 या Realme 1 जैसे पावरफुल फोन के बारे में विचार करना चाहिए। वैसे मोटो G6 इंटेंसिव टास्क के दौरान काफी गर्म हो जाता है, लेकिन G6 प्ले में ऐसी कोई कमी सामने नहीं आई। मोटरोला ने अपनी G सीरीज के 6th जनरेशन डिवाइस को OS अपडेट देने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि मोटो G6 प्ले को भविष्य में एंड्रॉइड P का अपडेट मिलेगा। अफसोस कि मोटो G6 प्ले कई अनचाहे ऐप के साथ आता है, जैसे फेसबुक, फोन पे, आउटलुक और लिंक्डइन। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने तो हैं ही कि स्टॉक एंड्रॉइड का मजा किरकिरा कर दें। इसके अलावा इन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में मोटो G6 प्ले की बैटरी 11 घंटे 30 मिनट तक चली। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी शानदार है। स्मार्टफोन ने आसानी से पूरे दिन तक साथ दिया और दिन के अंत में भी 20% बैटरी बची हुई थी। हमारे रिव्यू यूनिट के साथ चार्जर नहीं दिया गया था। वैसे रिटेल बॉक्स में आम यूजर को 15W का चार्जर दिया जाता है। हमने मोटो G6 के साथ दिए गए चार्जर को इस फोन के साथ इस्तेमाल किया। इसने करीब 45 मिनट में बैटरी को 50% चार्ज कर दिया। मोटो G6 प्ले में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो f2.0 अपर्चर वाला है। फ्रंट पैनल पे f2.2 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत शानदार नहीं है। रात में ली गई तस्वीरें डार्क और मडी आईं, वह नॉइज भी बहुत ज्यादा थी। कैमरा पर्याप्त रोशनी होने पर ISO को बढ़ा देता है, जिससे जरूरत से ज्यादा शार्प तस्वीरें आती हैं। अच्छी रोशनी में तस्वीरें काफी बेहतर आईं, डिटेल ठीक ठाक थे और कलर्स भी काफी हद तक सटीक आए। हालांकि फ्रंट और रियर कैमरे कमजोर डायनेमिक रेंज वाले हैं और ये अक्सर ही शॉट को ओवर एक्सपोज कर देते हैं। फ्रंट कैमरा भी कम रोशनी में पिछड़ जाता है। इस दौरान डार्क और ग्रेनी तस्वीरें आती हैं, इनमें डिटेल की भी कमी होती है। इसमें एक ब्यूटी मोड भी है जो उम्मीद के मुताबिक काम करता है। आप 1080 पिक्सल रिजोल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट कैमरे से औसत क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन रियर कैमरे के वीडियो आउटपुट ने हमें चौंकाया। डिटेल औसत क्वालिटी की है, लेकिन मोटरोला का EIS अच्छा काम करता है। मोटो G6 दिखने में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी में दम है और इसे एक हाथ से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी लाइफ औसत से बेहतर है। सॉफ्टवेयर पैकेज भी काफी स्मूथ है और कुछ काम के कस्टमाइजेशन भी है।
हालांकि कैमरे औसत क्वालिटी के हैं, परफॉर्मेंस खराब है और डिस्प्ले की भी तारीफ नहीं की जा सकती। कुल मिला के मोटो G6 Play औसत क्वालिटी का हैंडसेट है। तुलना में Zenfone Max Pro M1 और Redmi Note 5 ज्यादा पावरफुल होने के साथ ऑलराउंडर डिवाइस हैं। Realme 1 भी एक विकल्प है। इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा अटपटा है, लेकिन प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। तो यह था मोटो G6 Play का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज़ पढ़ने के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर लॉगिन करें।